कठोर बात नहीं, कुछ चीजें हमने आज तय की है मीटिंग में, जो सरकार कुछ स्कीम लागू करने वाली है, जैसे जो दिल्ली में रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है उनमें हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेंगे, जुडिशरी की कोचिंग लेंगे, क्लास वन क्लास टू की कोचिंग लेंगे, इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग लेंगे। उन बच्चों को उस कोचिंग के बारे में जानकारी आप और हम सब मिलकर घर घर जाकर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकार की उस योजना का लाभ उठाएं। उस स्कीम को लॉन्च करना करने के लिए 6 दिसंबर से अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता। वो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम कोई बड़ा स्टेडियम दिल्ली में बुक करेंगे जिसमें एक तो ये स्कीम लागू की जाएगी, दूसरा जो डीएसएमटीसी जो लोन देती है अपने समाज के बच्चों को, बेरोजगारों को जो अपना रोजगार कर सके, इन स्कीम को लिबरल बनाया जा रहा है ताकि 6 दिसंबर से पहले वो सारा बन जाए और 6 दिसंबर को उसको लॉन्च करेंगे। तीसरा, लोन की स्कीम को एक के लिए ऐप तैयार किया गया है, वो ऐप फाइनल स्टेज पे जो 15 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा उसको भी हम 6 दिसंबर को लॉन्च करेंगे। जो भी व्यक्ति उसमें लोन पे अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद उसको धक्के खाने की जरूरत नहीं है, वो पूरी जिम्मेदारी अफसरों पर डाल दी है, वो खुद अफसर जाकर उनके घर पे जाकर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाएंगे और उनको लाभ देंगे। तीसरा, 14 अप्रैल बाबा साहेब की जयंती का अवसर, वाल्मीकि की जयंती का अवसर, उस पर जिस प्रकार कांवड़ के कैंप लगते हैं सरकार पैसा देती है, छठ घाट बने अभी उस पर सरकार ने पैसा दिया सारे टेंट लाइट माइक का, इसी तरह बाबा साहेब की जयंती का और वाल्मीकि जयंती के प्रोग्राम का पूरा खर्च दिल्ली की सरकार देगी। उसको प्रारंभ तैयार हो रहा है, वो प्रारंभ तैयार करके हम लोग सरकार को देंगे और बहुत जल्दी कैबिनेट में पास होगा और पूरी की पूरी योजना आपके सामने आएगी। उसके लिए भी अपने लोगों को अपनी संस्थाओं को तैयार करना पड़ेगा, तो उस पर जब तय हो जाए उसके बाद वो इतना देर ना करें, पहले से अपनी तैयारी शुरू करते हैं अपना बजट और वो बहुत बढ़िया से इस प्रोग्राम को करें, पूरे देश में ऐसा लगे दिल्ली के अंदर हर कॉलोनी के अंदर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। सरकार दूसरे धर्मों पर भी इस तरह खर्च करती है तो उसी तरह हमारे अपने महापुरुषों के जयंती पर भी सरकार खर्च करेगी। वो प्रारूप तैयार है, उसको भी हम उसकी भी उद्घोषणा 6 दिसंबर को करेंगे। सुरकाज कमीशन बनने का काम अंतिम चरण में चल रहा है, इसके बाद ये विधानसभा में रखा जाएगा और प्रस्ताव पास होने के बाद जब ये एक्ट बन जाएगा उसके बाद सुरकाज कमीशन का दिल्ली में गठन हो जाएगा। सफाई कर्मचारी आयोग अभी कमजोर है और उसके एक चेयरमैन है, दो टेम्परेरी मेंबर हैं, अभी उस कानून में मैं जल्दी बदलाव करवाऊंगा सरकार के माध्यम से अरविंद जी से बात करके ताकि ये टेम्परेरी को परमानेंट मेंबर बनाया जा सके और इस कमीशन को थोड़ा सा पावर दी जा सके ताकि ये अपने लोगों के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए ज़्यादा मजबूती से काम कर सके। इस तरह की बहुत सारी योजनाएँ और शाम को बच्चों को जो पढ़ने में कमज़ोर रह गए हैं उनको शाम को बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देने का भी ट्यूशन सेंटर समझ तरह का मुफ्त का जिसे हमारे लोग चलाएंगे और उन युवाओं को हम जेब खर्च देंगे जो लोग उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे उसकी भी योजना हम तैयार कर रहे हैं। तो आप आशा कीजिए बहुत बड़े योजनाएं तैयार की जा रही हैं और आप लोगों से निवेदन ये है कि 6 दिसंबर की तैयारी में अभी से जुट जाएं। जल्दी आपके सामने सरकार का पूरा प्रोग्राम आएगा और किसी न किसी बड़े स्टेडियम में प्रोग्राम होगा जहाँ हम 10,000 के करीब अपने समाज के लोगों को दिल्ली के कोने कोने से इकट्ठा करने का तैयारी करेंगे। आपसे निवेदन होगा जब वो प्रोग्राम तय हो जाए उसकी आपको सूचना दी जाएगी, उसके हैंडबिल बैनर वगैरह सब कुछ बनेंगे तो आप उसको दिल्ली की कोई कॉलोनी ना बच जाए जहाँ तक प्रोग्राम की सूचना ना जाए और आप अपना प्रयास करें चाहे बस के माध्यम से गाड़ी के माध्यम से जैसे भी संभव हो उस प्रोग्राम में बड़ी मात्रा में सब लोग इकट्ठा हों और सरकार को केंद्र की सरकार को फिर दिल्ली सरकार को भी आप लोग ये एहसास कराएं कि अब दिल्ली का अनुसूचित जाति समाज अनुसूचित जनजाति समाज एकजुट हो गया है और वो अपने समाज अपने हाथों लेकर होगा। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं पहले अपनी बात रख चुका हूँ। आप सब लोग आए, आपका पहले तो मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आपने जो सुझाव महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं
मैं आपको आश्वस्त करता हूँ एक एक करके उन सुझावों पर ईमानदारी से काम करेंगे। जो जो काम होता चला जाएगा वो आपको काम दिखेगा, हम काम करेंगे भी और काम करके बताएंगे भी, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपने समाज के मोहल्लों में जाके मीटिंगें कर करके हम लोगों को बताएंगे कि हाँ हमने ये सब कर लिया। केवल हमने चर्चा नहीं की, केवल मीटिंग बुला के आपका टाइम जाया नहीं किया, बल्कि जो सुझाव आपके आए थे उनमें जो सुझाव करने के योग्य थे जिन्हें किया जा सकता था उनको सबको हम बाकायदा करके दिखाएंगे। और वास्तव में ये हरिजन शब्द बहुत ज्यादा हमें चुभता है, इसको हम जल्दी खत्म कर देंगे। जल्दी ही शुल्क सर्टिफिकेट का और ज्यादा आसानी से हमारे लोगों के लिए बन पाए, इसके लिए मैं डिविजनल कमिश्नर और सारे डीएम एसडीएम को सबको बुला के बड़ी मीटिंग लेके उसको इस चीज के लिए बाउंड करूंगा कि वो शुल्क के सर्टिफिकेट को देने में कोताही ना बरते, प्रक्रिया इजी करें और ये जल्दी ही हम करा लेंगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं निवेदन करूंगा आप सबका धन्यवाद करते हुए अपने वरिष्ठ साथी हमारे बड़े भाई जय भगवान जाटव जी जो आज की सभा की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और वर्षों से हमारे समाज के मुद्दों पे वो काम भी करते रहे हैं, राजनीति भी उन्होंने की है, लेकिन अब वो जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहाँ वो सारी राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं और केवल वो समाज के विकास के लिए ठोस सलाह अपने इस मंत्री को छोटे भाई राजेंद्र गोखल को देंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा उनकी सलाह को मजबूती से अपने सरकार के माध्यम से अपने समाज के हित में लागू करूं। और जो एक कमेटी अभी सोमवार मंगल तक बन जाएगी जो स्कीम्स लॉन्च की है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट को सलाह देगी, उस स्कीम में भी मैं जाटव साहब को रख रहा हूं इस आशा के साथ कि उसमें तो सरकार के प्रतिनिधि और एक समाज का प्रतिनिधि होगा और बहुत अच्छी सलाह निकल के आएगी ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके।